अगली खबर देहरादून से है। सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 बजे सदन में लेखानुदान पेश होगा। 21,000 करोड़ का लेखानुदान होगा और 3 दिनों तक विधानसभा सत्र चलेगा। अभी फिलहाल कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 बजे लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया जाएगा 21,000 करोड़ रुपए का और यह सत्र जो है ये 3 दिनों तक चलेगा। यह इस विधानसभा का पहला सत्र। आज शाम 4 बजे इसमें लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। अभी फिलहाल कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर देहरादून से। पंकज राणा इस वक्त हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं देहरादून से। हम उनसे जानेंगे कि क्यों कार्रवाई स्थगित की गई है। पंकज, हमारे दर्शकों को बताएं, दोपहर 3 बजे तक और जो लेखानुदान प्रस्तुत होना है 21,000 करोड़ का, इसका अर्थ क्या है? आने वाले दिनों में और कौन सी विधायी कार्रवाई होगी, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे शुरू हुआ था और तकरीबन 1.25 घंटे के करीब राज्यपाल का अभिभाषण चला है और राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद जो कार्यवाही होती है उसको 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 बजे तक ये कार्यवाही चलनी थी लेकिन क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था और उस पर अब 3 बजे तक, 3 बजे के बाद चर्चा की जाएगी। 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी राज्यपाल के अभिभाषण को फिर से पढ़ेंगी और जो भी विधानसभा के सदस्य हैं उनके सामने रखेगी। उसके बाद उस पर चर्चा का प्रस्ताव रखा जाएगा कि उस पर चर्चा कब की जानी है। उसके बाद अभिभाषण के पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 21,000 करोड़ का जो लेखानुदान है वो पेश करेंगे। उसके बाद कल संभवतः उस पर चर्चा की जाएगी। लेखानुदान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बजट सत्र ये होना था उत्तराखंड सरकार का और बजट सत्र इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि अभी नवनियुक्त सरकार का गठन हुआ है और 5वीं उत्तराखंड की सरकार बनी है। आगामी दिनों में सरकार को खर्चे के लिए क्या कुछ व्यवस्था करनी है इस लेखानुदान में वो लाई जानी है। हर मद के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। हर विभाग के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा। कोविड के चलते स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से बेहतर किया जाना है, सड़कों की जो माली हालत उत्तराखंड में बनी हुई है उसके लिए कितना अलग से बजट प्रावधान किया जाना है, शिक्षा के लिए कितना बजट का प्रावधान किया जा रहा है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये अनुपूरक इस बजट में लेखानुदान में लाई जानी है। 4 महीने का ये लेखानुदान होगा और संभवतः माना जा रहा है कि जुलाई के मिड वीक में फिर से सेशन बुलाया जाएगा और उसमें आगामी दिनों के लिए फिर से जो अनुपूरक बजट है उसको पास किया जाएगा। फिलहाल अभी क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था, सरकार का गठन हुआ है, 5वीं विधानसभा गठन हुआ है और उस विधानसभा के गठन के तुरंत बाद सरकार को बजट सेशन बुलाना ही था लेकिन वक्त की वजह से और सरकार के जो कामकाज दूसरे होने हैं उसकी वजह से सरकार ने फिलहाल लेखानुदान का प्रस्ताव रखा और लेखानुदान सरकार का आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। तमाम विकास कार्यों का एजेंडा लेखानुदान में तय किया जाएगा कि किस तरह से आगामी दिनों में सरकार को उत्तराखंड के विकास में काम करना है, क्या क्या चीज़ें किन मदों के लिए कितना बजट का प्रावधान किया जाना है, ये सब चीज़ें इसमें रखी जाएंगी। फिलहाल क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और राज्यपाल ने अभी अपने अभिभाषण में सरकार के आगामी रोड मैप की चर्चा की है। उन्होंने पिछले दौरान सरकार ने जो काम किए थे, चाहे कोविड के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का काम हो या फिर बच्चों को कुपोषण के माध्यम से बेहतर जो अन्न होता है उसके देने की बात हो, उसके अलावा खाद्यान्न वितरण योजना की बात हो, सड़क परिवहन विभाग के माध्यम से जो विकास कार्य काम हुए हैं उसकी बात हो, ये तमाम चीज़ें उनके बजट के आज अभिभाषण में रखी गई हैं। एक खास बात देखिए ये रही है कि जो आगामी 5 वर्ष का एजेंडा सरकार का होगा उन्हें किस तरह से सरकार को आगे करना होगा, कैसे सरकार उसको लेके जाएगी, तो राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार को यह भी निर्देशित किया है, सरकार को यह भी कहा है कि आगामी दिनों में खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। सरकार इसके रोड मैप को बनाकर आगे काम करे ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके और राज्यपाल ने सभी विधानसभा सदस्यों से यह अपील भी की है कि वो पक्ष और विपक्ष को छोड़कर एक साथ जुटकर राज्य के विकास में योगदान करें ताकि हम राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें। तो ये आज का पूरा अभिभाषण आज का रहा है एक तरह से और अब 3 बजे जब कार्यवाही शुरू होगी तो विधानसभा अध्यक्ष जो ऋतु खंडूरी बनी है उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष, वो अभिभाषण को फिर से विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से पढ़ेंगी, उनको सबको पढ़ के सुनाएंगी। उसके बाद बजट, उसके बाद जो अनुपूरक बजट है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि जो अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा की जाएगी। सभी जो सदस्य उत्तराखंड के नवनियुक्त हुए हैं उनसे अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी, उनसे उनके मन के विचार लिए जाएंगे कि किस तरह से जो अभिभाषण हुआ है, जो बिंदु उसमें रखे गए हैं उनके माध्यम से हम कैसे राज्य के विकास को आगे ले जा सकते हैं।